स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं रतांभरा आपके साथ। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर में सरकारी बैंकों में हड़ताल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर कर्मियों ने सोमवार और मंगलवार को हड़ताल किया है। इस हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में पैसा निकालने और जमा करने, चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसे सेवाओं पर भारी असर पड़ रहा है। पटना में हड़ताल कर रहे बैंक कर्मियों से बात की नेशन न्यूज संवाददाता राजीव कमल ने। नेशनल बैंक और सारे बैंक हैं, उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, यहाँ आपको दिख रहे हैं कि बाहर खड़े हैं। हड़ताल आज से शुरू हो चुकी है। आइए बात करते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है। हमारे साथ पंजाब नेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है सर। ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर पूरे देश भर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी 15 और 16 दो दिनों का हमारा हड़ताल का आह्वान किया गया। इस हड़ताल का आह्वान सीधा सीधी हम लोगों का कहना है कि ये सरकार जिन मुद्दों को लेकर के सन 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, आम जनता के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में, आज ये सरकार, केंद्र सरकार जो है, इससे उलट इसको निजी हाथों में अंबानी और अडानी को सौंपने की साजिश हो रही है। और ये हमारा मानना है कि ये हमारी आर्थिक संप्रभुता पर केंद्र सरकार द्वारा सीधा हमला किया जा रहा है। इस हमले का हम प्रतिकार करेंगे और आज दो दिन का हड़ताल इसका प्रमाण है। आज पूरे देश भर में, न केवल पटना बल्कि पूरे देश में जो बैंकिंग धड़कन है वो बंद है, ठप हो गई है। और आने वाले दिनों में भी अगर दो दिनों से हमारी बात नहीं बनती है तो आने वाले दिनों में हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाना होगा। तो केंद्र सरकार के नई आर्थिक नीति के विरोध में सारे देश के कर्मचारी और अधिकारी सड़कों पर उतरेंगे। इन सरकार अभी कह रही है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, तो ये क्या मुझे? अब ये बताइए कि बजट में जब इन्होंने प्रावधान कर दिया कि दो बैंकों का निजीकरण, चोर दरवाजे से आ रहे हैं, कहना था तो आप कहते कि नहीं सारे बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, लेकिन बजट में इन्होंने प्रावधान किया, अब ये बजटरी प्रोविजन है कि दो बैंकों का निजीकरण करेंगे। देश में एनपीए बढ़ता जा रहा है, गरीब जनता त्रस्त है, कोरोना से लोग मर रहे थे और जो बड़े घराने थे उनकी संपत्ति 50% से ज़्यादा बढ़ गई। कैसे हुआ ये चमत्कार कैसे हो गया? देश की आम आवाम जो है उसका खाता आज राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो यहाँ गरीब जनता, आम पान वाला, खुमचा वाला, दाई, मजदूर, सारे लोगों का खाता हम खोलते हैं। जनधन में 3.5 करोड़ खाता हमने खोल के दिखाया। हमने पूरे बैंक कर्मचारी अधिकारियों ने हमने नोटबंदी को सफल बनाया और उल्टे ये सरकार भस्मासुर की तरह हमारे ही माथे पर हाथ रखना चाहती है और बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की साजिश कर रही है। हमारा इसका विरोध होगा। निजी हाथों में बैंक गया तो पार्लियामेंट के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी है, जो हरित क्रांति आई, जो धवल क्रांति आई, ये सब बंद हो जाएगा। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी रणनीति है कि दो दिनों का हड़ताल अभी हम कर रहे हैं 15-16 को, और दो दिनों से बात नहीं बनती है तो हमको अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना होगा तो हम बैंकों का धड़कन बंद कर देंगे। एक परिचय दे, विजय कुमार मिश्रा, महासचिव पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉयज यूनियन बिहार। आपने सुना कि विजय सिन्हा का कहना है कि हड़ताल दो दिनों के है और आगे की रणनीति रहेगी कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे हम कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन अजीत के साथ राजीव कमल, पटना। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ कहना है प्रदर्शनकारियों का? देखिए, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दो दिन हड़ताल हमारी चलेगी। सरकार जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जब आम बजट पेश कर रहे थे उसी समय कह दिया था कि तो बैंकों का निजीकरण होगा, उसी को लेकर जो एक आक्रोश है वो आज दो दिनों का बैंक हड़ताल बुलाई है। पूरा ऑल इंडिया बैंक हड़ताल है जिसको लेकर आज जब हमने कर्मचारियों से बात की तो उनका कहना है कि दो दिन का हड़ताल है और एक तरीके से निजीकरण करके कहीं ना कहीं हम पे एक दबाव बनाया जा रहा है और एक तरीके से ये एक हमारी तरफ साजिश है। निजीकरण करने से कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे व्यापारी आते हैं या छोटे जो भी सेविंग अकाउंट खोलते हैं उनको लेकर एक कहीं ना कहीं एक तरीके से ये प्रभावित करेगा। निजीकरण करने से कर्मचारियों में एक तरीके से दहशत है और उनका कहना है कि निजीकरण एक ही उपाय नहीं है,
ये सरकार जिस कदम से आगे बढ़ रही है हर एक क्षेत्र को निजीकरण करने को लेकर, एक तरीके से तानाशाही है, और तानाशाही ये चलेगी नहीं और हम हड़ताल करेंगे, क्योंकि अगर अगर ये दो दिन से नहीं होता है तो आगे भी हम ये हड़ताल जारी रखेंगे, क्योंकि अगर इसे सरकार नहीं मानती है तो हम आगे भी इसकी लड़ाई लड़ती रहेंगे। राजीव, जैसा कि शनिवार से बैंक बंद है, इस हड़ताल की वजह से आम लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, एक बात बताते हैं कि आम लोगों का किसी एटीएम से एटीएम जाते हैं लोग, और इससे क्या होगा कि अगर चार दिन बंदी हो गई, क्योंकि शनिवार और संडे एक हो गया और आपका मंडे और ट्यूजडे, तो चार दिन बंदे हो गए। चार दिन बंद होने से होता है क्या कि आपके जितना जो भी बैंक में खाते और निकालने के लिए पैसे जो छोटे छोटे होते हैं, वो लोग जो छोटे उद्यमी होते हैं निकालने के लिए जाते हैं बैंक में, और लेकिन उनको इससे परेशानी होगी कि कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा, लेन देन नहीं हो पाएंगे, एटीएम बंद हो जाएंगे, इससे प्रभावित हो जाएंगे लोग, एटीएम से पैसे नहीं निकलेंगे, तो काफी कहीं ना कहीं नुकसान तो है ही बंद होने से चार दिनों से। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया राजीव। तो आपको बता दें कि सरकारी बैंकों ने निजीकरण के खिलाफ देश भर में हड़ताल कर दिया है, शनिवार से बैंक बंद हैं और अभी 15 और 16 तारीख को भी बैंक बंद रहेंगे, जिससे आम जनता भी काफी प्रभावित हो रही है। तो आपको बता दें कि बैंक कर्मियों ने सोमवार और मंगलवार को हड़ताल किया है। इस हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में पैसे निकालने, जमा कराने और लोन लेने तक में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं।